जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के चेन को रोकने के लिए बिहार सरकार के बड़े दावे करती है, वहीं हकीकत इन सबसे बड़े है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच के लिए सही व्यवस्था नहीं होने के यात्री बिना जांच के ही बाहर चले जा रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा काफी बढ़ गया है। यह जांच के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कई काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जांच सही नहीं हो पा रही है। काउंटर पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि उन्हें सावधानी बरतने के लिए सुविधाएं नहीं दी गई हैं। ऐसे में अगर वे यात्रियों की जांच करेंगे तो संक्रमण फैलने का खतरा होगा। हाँ, एक महीने से हम लोग बैठे हुए थे। खाने पीने वहाँ पे दिक्कत हो रही थी क्या? हाँ, दिक्कत हो रही, जभी तो आया। 1000 रुपए में यहाँ आया हूँ। अभी यहाँ जांच वगैरह हुई है क्या? हाँ हुई है, आगे हुई है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर? यहाँ नहीं हुई है। नहीं हुई है ना? नहीं। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर आया तो यहाँ पे जांच वगैरह हुई है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी अभी नहीं हुआ है। नॉर्मल सबका जो है, जैसा आप लोग कर रहे हैं उसी तरह है। अभी कोई जांच क्या? रेल पुलिस नाम मात्र का। नाम मात्र? हाँ, अभी सामने देख रहे हैं आप लोग, है ना? एक रेल पुलिस नजर आ रही है, कैमरा घुमा के आप देख लीजिए। क्या स्थिति है, क्या स्थिति है पर आपको? मिले मिले ठीक है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना है? जो कठिनाई सामना है तो करना ही पड़ेगा। आपने पीपीई किट वगैरह नहीं पहना हुआ है? क्या किया, जो मिलेगा वही कीजिएगा। अधिकारियों से नहीं मिला? मिलेगा, पहनना है, नहीं पिलेंगे तो। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित अल्पसंख्यक छात्रावास में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इसके साथ ही यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की काउंसलिंग और इलाज शुरू कर दिया गया है। यहां मरीजों के लिए 100 बेड की व्यवस्था है। इस मौके पर डीएम ने कहा कि सदर अस्पताल में कई डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वहां जगह कम होने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में जांच के दौरान जो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। वही गंभीर लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। टेस्ट होगा, टेस्ट में जो व्यक्ति संक्रमित पाए जाएंगे उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाएगी। यदि उनको कोई और भी सिम्टम्स हैं तो यहाँ पर ओपीडी के रूप में चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे, उनको और चिकित्सकीय सलाह दी जाएगी। यदि उनकी वैसी स्थिति पाई जाएगी कि उनको भर्ती कराने की आवश्यकता है तो इसी सेंटर पर ही उनको भर्ती भी कराया जाएगा। यदि आवश्यकता होगी कि इससे ऊपर के सेंटर पर भेजा जाना है तो यहाँ एम्बुलेंस भी रहेगी जिसके माध्यम से उनको ऊपर के सेंटर पर भेजा जाएगा। ये सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं ताकि मरीज को जो संक्रमित